हेलो एंड वेलकम डीजी हंट, माय नेम इज संदीप और आज हम रिव्यू करने वाले हैं द संजय गुप्ता डायरेक्टोरियल मुंबई सागर। मुंबई सागर मुंबई की उस वक्त की कहानी दर्शाती है जब वो बॉम्बे कहलाती थी। किस तरह से जो शरीफ मराठी मानुष थे अपने किस्मत से बेबसी की लकीर को मिटाने के लिए अपने हाथों में औजार उठा देते हैं, ये फिल्म वही दास्तां बयान करती है। फिल्म में एक एंसेंबल कास्ट है, जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, गुलशन ग्रोवर, महेश मांजरेकर, अमोल गुप्ते, काजल अग्रवाल, टू नेम अ फ्यू। जॉन अब्राहम प्लेज द रोल ऑफ अमर्त्य राव, हु टेक्स अप आर्म्स बिकॉज हिज ब्रदर हैड बीन थ्रोन ऑफ अ रेलवे ब्रिज ऑनटू द रेलवे ट्रैक्स बाय अ गैंग लेड बाय गाय तुंडे प्लेड बाय अमोल गुप्ते। पुत्र का हाथ तूने काटा क्या? मेरे भाई को हाथ लगाया था उसने। महेश मांजरेकर इस फिल्म में भाव का किरदार निभा रहे हैं, विच इज अ कैरेक्टर दैट इज हेवीली बेस्ड ऑन शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे, who wields these small time goons by luring them with the big dreams, the grand dreams of ruling Mumbai. Savarkar, tera bhi time aaya. Kaitan ne Gaitonde se haath mila liya. Kaitan ka udna band kar, Gaitonde apne aap zameen par aa jaye. Aur Imran Hashmi is film mein ek encounter specialist ka kirdaar nibhaye hain, jinke nishane par Amartya aur unka pura team. Sawal ye nahi ki Amartya marega, sawal ye hai ki 10 crore ka main karunga kya. उस चूहे को बोलो बिल से बाहर निकलने को। अगर हम बात करें एक्टिंग की तो फिल्म शूटआउट बडाला में जो जॉन अब्राहम का किरदार था इस फिल्म में, उसी फिल्म से एक मिलता जुलता अवतार हम जॉन का देखेंगे और अब ये बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो गया है। उनके एक्सप्रेशंस ओवर द टॉप है और अजीब लगते हैं कहीं। मोदन इज एक्टिंग, आई वॉज वंडरिंग व्हाट हैपेंड टू हिज अपीयरेंस, मतलब हिज फेस इज ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक अ रिंकल्ड पार्चमेंट, इट वुड बी एन एग्जैजरेशन टू स्टेट दैट। I mean, एक सीन में वी हैड जॉन एंड सुनील शेट्टी शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस टुगेदर एंड ट्रस्ट मी इन दैट सीन सुनील शेट्टी लुक मच यंगर टू जॉन इवन दो इन रियलिटी ही इज मच मच सीनियर टू जॉन, सो दैट्स लिटरली वियर्ड। इस फिल्म में एक और गौर करने वाली बात है, जिस भी फिल्म में जॉन रहे हैं ही हैज अ बॉडी शॉट कंपल्सरीली, अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म में ही डजंट हैव अ बॉडी शॉट। आई वंडर व्हाट हैपेंड टू हिज सिक्स पैक एब्स। प्रतीक बब्बर plays the role of John Abraham's brother and in this film he doesn't have much to do other than being wheelchair bound for most of the time he's actually seen in the film. Amol Gupte and Mahesh Manjrekar are, I would say, the saving grace of the film. Dono ne apne apne kirdaar bakhoobi nibhaye hain and they are actually looking believable in the entire film. In the film, unfortunately, very few characters are looking believable aur mere hisab se these two are perhaps, you know, the most believable, the most credible and the most plausible performances इन द फिल्म। हम कहानी की बात करें तो वो एबसेंट है। जिस प्लॉट पे ये फिल्म बेस्ड है वो प्लॉट ही मुंबई शहर जितनी ही पुरानी है। हमने ऐसी फिल्में कई दफ़े देख चुके हैं, कई मरतबा हम ऐसे ही प्लॉट्स, ऐसे ही स्क्रीन प्लेस देख चुके हैं एंड दिस फिल्म डजंट रियली हैव एनीथिंग न्यू टू ऑफर, कुछ भी नया नहीं है। द स्क्रीन प्ले इज ओवर द टॉप और जो संजय गुप्ता की फिल्मों में जो एग्जैजरेटेड कलर देखा गया है, आई मीन इन दिस फिल्म वी काइंड ऑफ सॉ द सेम सिग्नेचर कलर प्ले जहाँ पर ग्रीन और येलो का बहुत ज़्यादा टिंट है। समटाइम्स इट जस्ट लुक्ड ओवरडन, इट लुक्ड ओवर द टॉप, इट लुक्ड रियली वियर्ड टू मी। आई मीन नॉर्मल कलर ग्रेड करते तो भी सेम ही निकल के आता था रिजल्ट, ऐसा कुछ खास नहीं निकला। मे बी ही वॉन्टेड टू रिटेन, संजय गुप्ता एक्चुअली वॉन्टेड टू रिटेन हिज ओन सिग्नेचर बाई पुटिंग दैट वियर्ड कलर टोन। तो थ्रू आउट द फिल्म वी सी द सेम कलर टोन विच डजंट रियली ब्रिंग इन एन एक्स्ट्रा फैक्टर टू द फिल्म और एक्स्ट्रा यू नो बिलीवेबल टोन टू द फिल्म। इन फैक्ट इट लुक्स टेरिबली ऑफ। द राइटिंग इज प्लेन बैड। ऑन वन हैंड इट सेज द फिल्म इज बेस्ड इन द लेट 80s और दूसरे पल हम देखते हैं हनी सिंह का एक अजीब सा एक रैप सॉन्ग, रैप तो नहीं बोलूंगा बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट ए सॉन्ग और बीच बीच में रैप आता है जिसमें अजीब गरीब शब्द हिला लें, हिलेगा एंड मचेगा एंड ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन दैट सॉन्ग एंड आई वाज लिटरली वंडरिंग थ्रू, आई मीन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द सॉन्ग कि कौन से 80s के कौन से ज़माने में ऐसे गाने और ऐसे लिरिक्स और ऐसे हाफ पैंटीज, हाफ भी नहीं बोलेंगे, मतलब लिटरली पैंटीज पहन के लड़कियाँ नाचती है ऐसे अजीब गरीब लिरिक्स पे, मैंने तो कभी सुना नहीं। सो दैट वॉज लाइक अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। लाइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड म्यूजिक का बात करें तो ऐसा कुछ खास नहीं है। इन फैक्ट आई वॉज वॉचिंग अ फिल्म इन अ थिएटर आफ्टर अ स्पैन ऑफ अराउंड 1.5 ईयर्स।
I was invited to this premiere. I mean, earlier also I was getting these invitations to premiere shows, but I did not really have the guts to go because of the coronavirus. But today I kind of made up my mind and I thought of, you know, breaking the barrier, and I stepped out of my home and my comfort zone and I went into the hall because I thought this film would turn out to be something interesting. Unfortunately, it was a big blow to my senses. I felt ki maine kyun apna waqt barbaad kiya us waqt, main agar kuch aur kar raha hota then it would really be much more beneficial to me. All in all, I should suggest that you know, you guys wait for the film. Someone if someone amongst you, the audiences, are really very eager to watch the film, I would say wait for it and let it you know, hit the OTTs. घर पे आ जाओ, घर पे बैठ के देख पाओगे, ऐसा कुछ खास नहीं है. यू नीड टू गो एंड आई मीन इट्स नो ग्रैंड स्क्रीन प्ले के नाम पे सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस पे ही जोर दिया गया है, बाकी और कुछ भी नहीं है. एंड दे आर वेरी रिपीटेटिव एंड देर इज नथिंग न्यू. सो आई सजेस्ट वेट फॉर इट टू कम टू द ओटीटी, टू हिट द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, टू कम टू योर टेलीविजन स्क्रीन्स एंड वॉच इट ऑन द टेलीविजन स्क्रीन. द फिल्म इज नॉट रियली वर्थ स्पेंडिंग योर मनी. मेरी तरफ से मुंबई से आगा 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स.